उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर जिला है और आज हम खड़े हैं जो NH बनाया जा रहा है थाना क्षेत्र नागल का, उसकी तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। विगत दिनों यहाँ पर एक दुर्घटना हुई थी जिसमें पिथौरागढ़ अभिषेक की जो है मृत्यु हुई थी। लापरवाही थी ठेकेदार की, NH को बनाने वाली जो कंपनी है उनके द्वारा। मैं आपको यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डेट जो है वो फ्राइडे का आज दिन है और 31/2020 की ये डेट है। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार हमारे पास है। मैं आपको ये पीछे से तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये पूरा जो NH हाईवे है ये बना है और दूर से ही गाड़ियाँ जो हैं वो बड़ी स्पीड पे आ रही होती हैं। 100 की कम से कम स्पीड है क्योंकि किसी भी व्यक्ति को नहीं पता कि आखिर ये रास्ता जो है सीधा कहाँ जा रहा है। लोग इस पर चल रहे हैं, कहीं पर भी इसमें जो है रुकने का साइन बोर्ड नहीं लगाया गया या डाइवर्जन का कोई बोर्ड नहीं लगाया गया। रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं सामने जो है इस चीज़ को हम आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ सामने की ओर अगर इस साइड से जो लोग हैं वो आते हैं गाड़ी के द्वारा, तो यहाँ पर एक मिट्टी का ढेर लगाया गया है। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो रास्ता है, लोग जो हैं राइट को टर्न करेंगे, गाड़ी जो है वो राइट को टर्न की जाएगी और वो फिर सीधा इस फ्लाईओवर को पार करेंगे, आगे की ओर जो है जाएंगे। पूरी ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। इस तरह से जो है गाड़ियाँ फिर से जाएंगी और अगर रॉन्ग साइड से लोग आ भी रहे हैं तो भी इसी साइड से जाएंगे। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये ट्रक जो है यहाँ से जो है सीधा जाएगा और किस तरह से जो ये मिट्टी है यहाँ पर इसको रोका जाने का एक साइन बोर्ड दिया है, ठेकेदार ने ऐसा कहा है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि ये जो ट्रक है यहाँ से ये किस तरह से इस रूट को डाइवर्ज करके और आगे की ओर जा रहा है। पूरी तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। दिखाते हैं हम आपको वो पुल जहाँ पर ये घटना घटी थी, दुर्घटना हुई थी जिसके कारण एक नौजवान की जो है जान चली गई। परिवार में उसकी अभी लगभग 10 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, उसकी पत्नी है। किस तरह का माहौल परिवार में रहा होगा, लेकिन जो लापरवाही ठेकेदार के द्वारा दिखाई गई उसमें किसी तरह की कोई कार्रवाई जो है वो प्रशासन ने अभी तक नहीं की है। कोई भी अधिकारी वहां पर नहीं आया मौके पर। तो ये तस्वीरें हम आपको यहां से दिखा रहे हैं। नागल क्षेत्र का ये इलाका है और उस पुल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर ये बड़ी दुर्घटना आज से 10 दिन पहले हुई थी। सहारनपुर का एरिया है। दिखाते हैं हम आपको वो पुल जहां पर ये घटना घटी थी। हम आपको दिखा रहे हैं कि जब निर्माणाधीन पुल पर कार्य चल रहा है, इस मार्ग पर कार्य चल रहा है, तो किस तरह से इसको जो है खोला गया है और यहां पर किसी तरह से कोई भी बैरिकेडिंग नहीं लगी है। तो लोग इस दुर्घटना में शिकार होंगे, आगे भी होते रहेंगे और अपनी जान गंवाते रहेंगे। कौन इसका जिम्मेदार है ये जवाब देना होगा। आखिर किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये नेशनल हाईवे की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो अभी भी निर्माणाधीन हैं। कोई भी इसका जो एक रास्ता है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा रोड जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। उसकी आगे की तस्वीरें भी हम आपको यहाँ सहारनपुर के इस नागल क्षेत्र से दिखा रहे हैं। आगे है रास्ता। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? देहरादून से। कहाँ जाएंगे आप लोग? दिल्ली जाएंगे। तो आप पीछे से आ रहे हैं, पूरे हाईवे से आ रहे हैं, तो आप कोई साइन बोर्ड लगाए कि आगे फ्लाईओवर बन रहा है या बंद पड़ा है, रास्ता पूरा कंप्लीट नहीं है, हाईवे पूरा कंप्लीट नहीं है, किसी तरह का है? तो यहाँ मैडम है, हम उनसे जानते हैं, वो इसमें ट्रेवल कर रहे हैं, गाड़ी है। कहाँ से आए मैम आप? देहरादून से आए हैं। तो आप इस रोड से आ रहे हैं तो आगे कोई पीछे कोई साइन बोर्ड लगा है कि आगे रास्ता बंद है या क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी भी आप जा रहे हैं, पूरी स्पीड से गाड़ी जा रही है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि पिछले 10 दिन पहले ऐसा ही एक हादसा हुआ है पिथौरागढ़ के अभिषेक के साथ। वो भी अपनी गाड़ी से ड्राइव कर रहा था, रात का समय था, 9 बजे का, इसी मार्ग से वो जा रहा था, कहीं पर भी कोई साइन बोर्ड नहीं था, जहां उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई, गाड़ी पूरी डैमेज हो गई। तो हम आपसे कहेंगे कि आप भी वापस ही इसी रोड से जाइए और सहारनपुर को होते हुए फिर आप दिल्ली का रास्ता तय कीजिए, ठीक है ना? तो यहाँ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोग जो हैं कंफ्यूजन में हैं। अगर यहाँ पर
कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया गया तो बड़ी दुर्घटना होने के चांस हैं। तो ये गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से ये गाड़ी वापसी के लिए मुड़ रही है, UP 32 DE 0888 ये गाड़ी है। और भी गाड़ियाँ यहाँ आ रही हैं, तो लोगों को जब जानकारी ही नहीं होगी तो दुर्घटना का लोग शिकार हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी जानते हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? सर ये रास्ता तो कंप्लीट नहीं है, एक मिनट आगे कर लीजिए गाड़ी। कोई बैरियर वगैरह लगा था किसी तरह का पीछे? कोई साइन बोर्ड लगा है कि रास्ता नहीं है? कुछ नहीं लगा सर, पता ही नहीं हमें तो। कोई रास्ता नहीं पता चला? ना, पता ही नहीं चला। तो कोई भी किसी तरह की कोई पीछे गाइडलाइंस नहीं जारी की गई, किसी तरह का कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ, तो आगे जाएंगे तो आगे दुर्घटना हो गई है। 10 दिन पहले एक व्यक्ति की मौत हो गई, इसी तरह रात के समय वो गाड़ी से ड्राइव कर रहा था, आगे कोई भी डायरेक्शन नहीं थी और उसकी गाड़ी खाई में गिर गई। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बैक देवबंद से हाँ उधर से आप जाइए ताकि आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको दिखाया है लोग कितने कंफ्यूज हैं। पूरा ये हाईवे बना है लेकिन किसी भी तरह का यहाँ पर कोई भी साइन बोर्ड नहीं लगाया गया। बड़ी लापरवाही है NH हाईवे को बनाने वाली कंपनी की, ठेकेदार की। ये ग्राउंड रिपोर्ट सहारनपुर की हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, इस नागल थाना क्षेत्र की। कितनी बड़ी लापरवाही है, किसकी जिम्मेदारी बनती है? क्या लोगों की जो जान है वो इतनी सस्ती है कि ठेकेदार इतनी लापरवाही करने पर आमादा है? अभी तक भी किसी तरह का कोई साइन बोर्ड नहीं लगा है, जबकि एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई है। परिवार के अंदर जो है किस तरह का माहौल होगा समझ सकते हैं, कैसी दुर्घटना उस व्यक्ति के साथ हुई है। रात के 9 बजे जब उस व्यक्ति की गाड़ी इसी मार्ग से जा रही थी तो आगे कोई भी नहीं बताने वाला था कि आगे का जो रास्ता है वो बंद है, आगे जो है पुल पूरी तरह से तैयार नहीं है, ये रास्ता जो है अभी पूरा बनकर तैयार नहीं हुआ है। तो ये कितनी बड़ी लापरवाही है। जिला प्रशासन को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, इस तरह के जो लापरवाह लोग हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और किस तरह की ये घटनाएं यहाँ पर अभी भी हो सकती हैं, गाड़ियाँ लगातार इस रोड से जो है वो चलकर आ रही हैं। हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं एक और इसी तरह से ये जो गाड़ी है वो भी पूरी स्पीड से आ रही है, जबकि यहाँ पर ये रास्ता खोला गया है। तो इनसे हम जानते हैं कि किस तरह से ये लोग जो हैं कहाँ जाने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब आप? सर मैं सहारनपुर तक जा रहा हूँ। लेकिन ये तो यहाँ रास्ता बंद है, पीछे कोई साइन बोर्ड नहीं था? सर वो थोड़ा सा बातों में शायद नहीं, साइन बोर्ड अभी कई लोगों से जानकारी मिली है कोई साइन बोर्ड नहीं था। जो एक लापरवाही है नेशनल हाईवे को बनाने वाली कंपनी और ठेकेदार की, जिसके द्वारा 10 दिन पहले एक व्यक्ति की इसी तरह से गाड़ी से मौत हो गई, आगे का रास्ता जो है वो कंप्लीट नहीं था और गाड़ी जो है नीचे खाई में गिर गई। तो यहाँ पर कुछ और गाड़ियाँ हैं वो जो आ रही हैं। तो यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं बातों में था जी, हालांकि साइन बोर्ड दिखा नहीं क्योंकि हमारी नज़र तो रोड पे ही रहती है। जी अगर हमारी नज़र रोड पे है तो साइन बोर्ड पर जरूर पड़ती है, कुछ बात भी करें कुछ भी करें। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो दिल्ली का रास्ता तय कर रहे हैं, कोई मेरठ जाना चाहता है, लेकिन ये रास्ता जो है अनकम्प्लीट है और किस तरह से लोगों को अपनी जान यहाँ गंवानी पड़ सकती है, ये एक बड़ी लापरवाही है। जिसको जो कंपनी है इस नेशनल हाईवे को बनाने वाली, उसको समझना होगा, उसको देखना होगा और जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिलना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और जो नेशनल हाईवे की अथॉरिटी है उसको देखना होगा कि लोगों की जान इतनी सस्ती नहीं है। सहारनपुर की ये रिपोर्ट हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, सहारनपुर से मोनू कुमार की खास रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस नेशनल हाईवे की, कि अगर हम लोग भी गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं तो किस तरह से जो है स्पीड एक बनी रहेगी। 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की जो रफ्तार है इस रोड पर रहेगी, क्योंकि पीछे सिर्फ जो है एक मिट्टी का ढेर लगाकर रूट को डायवर्जन किया गया और लोगों को ये आभास ही नहीं है कि आगे का जो रास्ता है वो कंप्लीट है या अनकंप्लीट है। तो रात के समय अगर लोग यहाँ से गुजरेंगे तो उन लोगों के साथ ये बड़ी दुर्घटना फिर से घट सकती है और लोग अपनी जान गंवा सकते हैं।
अभिषेक केवल एक व्यक्ति था गाड़ी में जिसकी जान गई है। लोग भर भर के गाड़ियों में आ रहे हैं, 4 लोग कम से कम गाड़ी में नजर आ रहे हैं, 3 लोग हैं, तो तीनों की जान वो जा सकती है। कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर इस हाईवे पर देखने को मिल रही है। किसी तरह का साइन बोर्ड जो है वो नहीं लगाया गया कि मार्ग जो है वो अभी पूरा हुआ है या नहीं। ये एक बड़ी लापरवाही है यहाँ के इस नेशनल हाईवे को बनाने वाली अथॉरिटी की, जो ठेकेदार है उसकी बहुत बड़ी लापरवाही है। और किस तरह से लोग अपनी जान इस हाईवे पर गवा सकते हैं, बड़ा सवाल है, सोचने का एक विषय है। तस्वीरें हम आपको यहाँ इस रोड की, इस हाईवे की दिखा रहे हैं। करीब 5 किलोमीटर का सफर हमने यहाँ तय किया है। कोई भी साइन बोर्ड यहाँ पर ऐसा नहीं दिखाया गया जिसमें ये पता चलता हो जो इस रोड से सफ़र कर रहा हो कि आगे का मार्ग जो है सही है या नहीं है, या फिर अभी ये कंप्लीट रास्ता नहीं है। कोई भी साइन बोर्ड इस मार्ग पर हमें दिखाई नहीं दिया। ये ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। सहारनपुर का ये इलाका है, थाना नागल क्षेत्र का ये फ्लाईओवर है, ये रोड है, और पूरी रिपोर्ट हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी किसी तरह का कोई साइन बोर्ड नहीं लगा है, जबकि मार्ग जो है अब वो इस तरह से शुरू हुआ है आगे की ओर जो है। ये तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं जो पहले नहीं थी, लेकिन अब वो नज़र आ रही हैं, क्योंकि 10 दिन हो गए हैं ये घटना घटी, अभिषेक की जान गई, तब जाकर कहीं थोड़ा बहुत इन्होंने जो इस मार्ग को बनाने वाली कंपनी है, ठेकेदार है, उनके द्वारा लीपापोती की गई है। ये तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि ये मिट्टी भी आज ही डली है, ताजी मिट्टी डली है जो डाली गई है, उससे पहले यहाँ कुछ भी देखने को नहीं था। और लोग अपने फ्लो में, अपनी स्पीड पे इस गाड़ी को चलाकर जो है लोग अपना रास्ता तय कर रहे थे, लेकिन वो रास्ता उनको मौत के द्वार तक ले जाएगा ऐसा आभास उनको नहीं था। ये जो मिट्टियाँ हैं यहाँ पर, मिट्टी के ढेर आपको नजर आ रहे हैं, ताजी मिट्टी ये डाली जा रही है उसको दबाने के लिए, उस घटना को दबाने के लिए, ताकि उस पे कोई भी फोकस ना किया जाए। आगे का रास्ता हम आपको दिखाते हैं कैसा है, क्या ग्राउंड रिपोर्ट रही थी, उसकी पूरी तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ये मिट्टी के जो ढेर हैं ये कल और आज में डाले गए हैं, और किस तरह से जो एक लीपापोती की जा रही है, ठेकेदार की जो नाकामी है, जो उसकी गलतियां हैं, उस पे पर्दा डालने का काम किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको इस NH की दिखा रहे हैं, और आगे की पूरी जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाएंगे किस तरह से वो दुर्घटना हुई, किस तरह से अभिषेक की जान गई। अगर ये मिट्टी के ढेर पहले से होते या साइन बोर्ड पीछे लगा होता, ये बैरिकेडिंग्स लगी होती, तो रात के अंधेरे में, मैं आपको एक चीज और बहुत बड़ी दिखा दूं कि यहाँ पर किसी तरह की कोई लाइट्स नहीं है। रात के अंधेरे में अगर आप आएंगे तो सिर्फ गाड़ी की लाइट होगी, और वो भी सामने की, फ्रंट की, दाएं बाएं की कोई लाइट नहीं होगी। और किस तरह से लोग जो हैं इस रास्ते को तय करके अपनी जान गंवा सकते हैं, लेकिन लापरवाही है जो यहाँ के इस ठेकेदार के द्वारा की गई है। किसी भी तरह का कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया गया, रूट को डायवर्जन नहीं किया गया। पीछे हमने आपको दिखाया, हल्का सा वहाँ मिट्टी का ढेर लगाकर उसको डायवर्जन किया गया। कितने लोगों की गाड़ियाँ, हमने खुद से उन लोगों को ये बताया कि आगे का रास्ता कंप्लीट नहीं है, पूरा नहीं किया गया है, अभी ये हाईवे का निर्माण चल रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं इस नेशनल हाईवे की, बड़ी लापरवाही है, और किस तरह से एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी। न जाने कहां कहां से लोग इस सफ़र में अपने अपने घरों से निकलते हैं, लेकिन कितनी बड़ी लापरवाही है, ये तस्वीरें हम आपको यहां दिखा रहे हैं।
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस दिन ये घटना घटी 10 दिन पहले, जब अभिषेक अपनी गाड़ी से इस मार्ग को तय कर रहा था और अपने घर जाने की ओर अपने कदम बढ़ा रहा था, गाड़ी आगे बढ़ रही थी, लेकिन ये सब चीज़ें उस दौरान यहाँ नहीं थी। ये नई जो है मिट्टियाँ यहाँ पर डाली गई हैं। 10 दिन पुराना ये मामला है। जब यहाँ पर ये घटना घटी तो उनके परिजनों को सूचना दी गई, और सूचना देने के बाद उनके परिजन अगले दिन जब यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पर इस तरह की कोई भी जो है बैरिकेडिंग्स नहीं लगी पाई, और इस तरह से जो मिट्टी ये लगाई गई है किसी तरह से कोई भी काम यहाँ पर नहीं था। तो हम यहाँ पर जानते हैं, जो उनके परिजन हैं वो बताएंगे, जिस दिन अभिषेक की मौत हुई थी उस दिन, उससे अगले दिन जब इनको सूचना मिली तो ये लोग यहाँ पर आए थे और इन्होंने क्या क्या देखा वो हम आपसे आपको इनसे बात कराते हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मैं मुकेश कुमार। जी जी, अभिषेक का जीजा हूँ। जी बताइए, क्या हुआ था जिस दिन अभिषेक की यहाँ जो है इस फ्लाईओवर से गिर के जो मौत हुई थी, उसके बाद अगले दिन आप आए, तो क्या आपने यहाँ देखा? क्या ये सारी जो अब मिट्टी डली है या बैरिकेडिंग्स लगी हैं, क्या उस दौरान थी यहाँ पर? जी, सुबह 7 बजे जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं जी, और जब पंचनामा किया उसके बाद हमने मौके की जगह पे हम आए, और पहले तो हम नीचे में ही व्यस्त रहे कि कैसे हुआ क्या हुआ, इस चीज़ को समझने में हमें काफ़ी समय लग गया जी। लेकिन फिर ध्यान आया कि हम ये भी देखते हैं कि वो चढ़ा कैसे, क्योंकि हम मानने को तैयार नहीं हो रहे थे पुलिस वालों के स्टेटमेंट की, जी वो तेजी में था और वो गिर गया या उसने बैरिकेड हटा दिए। तो मैं एंट्री में चढ़ा हूँ, हालांकि मैं इसके आगे नहीं जा पाया, इसके आगे मैं नहीं गया हूँ, लेकिन इतना पॉइंट मैंने पूरा देखा था, ये पूरा रोड साफ था, मुझे केवल ये बोर्ड मिला था डायवर्जन का, और उसमें भी आप देख लीजिए कि डायवर्जन क्या लिखा हुआ है, किधर को डायवर्ट करने की बात कर रहे हैं, ये बोर्ड यहाँ साइड में था, बाकी ना तो उसमें मिट्टी थी ना इसमें बजरी पड़ी हुई थी, ठीक है। और जो ये मिट्टी डाली गई है, अब क्या उस दिन ये मिट्टियाँ यहाँ पर थी इस तरह की? बिल्कुल नहीं, ये रोड पूरा क्लीन था, जैसे हम अभी 5 किलोमीटर के रास्ते से हम आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है कि वो आदमी यहाँ चढ़ेगा, मैं होता मैं भी चढ़ जाता। उस दिन ऐसा रास्ता था कि बिल्कुल साफ रास्ता था, आदमी आराम से यहाँ से जा सकता है। तो एक बात और सामने आई है, जो सुनने में आया है कि उसने ड्रिंक की हुई थी, शायद वो उस कारण से जो है इस दुर्घटना में ग्रस्त हो गया, क्या ऐसा रिपोर्ट में क्या आया, पीएम की रिपोर्ट में क्या आया? जी, पीएम की रिपोर्ट हमने परसों प्राप्त की है थाने से जी, और जिसमें जो मौत की वजह बताई गई है, क्योंकि पीएम जब हुआ तो मैं भी साथ में था, और जब मौत की वजह जो बताई गई है उसमें यह है कि अभिषेक को हार्ट अटैक हुआ है और ब्लड और सर में उसके जो है इंजरी आई है, भाई ये मौत की वजह है, इसके अलावा कोई भी और चीज नहीं पाई गई है कि ये अल्कोहलिक था या कुछ और था। तो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, लिपापोती की गई है, 10 दिन पुराना ये मामला है, और एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी। यहाँ पर ये जो साइन बोर्ड लगा है इसमें ये टेपिंग जो है अभी की गई है, और इससे पहले जो इसमें लिखा है, कृपया धीरे चलें, कार्य प्रगति पर है। अब सोचना इस बात का है कि धीरे कहाँ चलें, अगर रास्ता ही नहीं है तो धीरे कहाँ चला जाएगा, ये एक सोचने वाला विषय है। क्या इतनी बड़ी कंपनी करोड़ों रुपए का ठेका लेकर इस कार्य को कर रही है, तो उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो साइन बोर्ड बनवाएं कि लोग अपनी जान को बचा सकें, अधूरे रास्ते पर अपनी जान ना गंवाएं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, सोचने वाला विषय है, किसकी जिम्मेदारी तय होगी, कैसे अभिषेक को इंसाफ मिल पाएगा, जो अपने घर पिथौरागढ़ जा रहा था, रास्ते में ऐसी अनहोनी उसके साथ हुई लापरवाही की वजह से, इस नेशनल हाईवे की वजह से परिवार में कोहराम मचा हुआ है, घर में एक बहन है, दो भाई हैं, और उसमें से एक अभिषेक जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो कितना बड़ा दर्द परिवार को मिला होगा। यहाँ पर उनके जो चाचा हैं उनसे हम बात करते हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ इस जगह पर आए हैं, उनको भी अपने भतीजे के जाने का इतना गम है कि कल से हम उनसे बात करना चाह रहे हैं लेकिन बात नहीं हुई है, तो हम उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? गणेश कोहली। जी, चाचा हूँ। जी जी, अभी जब यहाँ पर आया और जो यहाँ पर गाड़ी इसी के 100 मीटर नीचे गाड़ी गिरी है, कोई यहाँ बैरिकेडिंग नहीं हुई है, और जहाँ पर गाड़ी गिरी वहाँ से उन्होंने अपने कार इस कार को हटा के और अपना कार्य शुरू कर दिया है, सारे के सारे सपूत मिटाने में लगे हुए हैं,
तो इसी तरह से जो हमारे साथ घटी है किसी और के साथ ना घटे, तो इसलिए ये अभी न जाने कितने, ये मानवता आज इतनी गिर चुकी है सारे, इनको अभी तक किसी हम लोगों को अभी तक फोन तक बात नहीं हुई। क्या प्रशासन से मिलने के बाद भी जी उनने यही बताया कि हम अभी इसकी जानकारी ले रहे हैं, और जब वहाँ थाने नागल थाने में गया तो थाने में कह रहे हैं कि यह क्षतिग्रस्त जो कार हुई है हमें इसकी कोई सूचना ही नहीं है। तो इससे स्पष्ट महसूस होता है कि कितनी लापरवाही शासन की है। तो यहाँ पर गणेश जी हैं जो मृतक अभिषेक के चाचा हैं, उनकी बात हुई है जो यहाँ के थाना अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि हमें इसकी सूचना ही नहीं है, जबकि 10 दिन पहले सभी समाचार पत्रों में ये खबर आई थी कि इस फ्लाईओवर से एक गाड़ी जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है और मौके पर ड्राइवर की मौत हो गई है। कितनी बड़ी लापरवाही है, क्या ठेकेदार को बचाने की कोशिश की जा रही है, या फिर इतनी बड़ी लापरवाही को किसी खरीद प्रोक्त की वजह से जो है दबाया जा रहा है, ये सोचने वाला विषय है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस पुल की जहां पर ये घटना घटी है, अभिषेक की जान गई है। रात्रि के 9 बजे वो इसी रोड से जो है अपने घर पिथौरागढ़ जा रहा था, लेकिन उसको ये आभास नहीं था कि ये उसकी अंतिम यात्रा होगी। और किस तरह से आज तो यहाँ पर ये मिट्टी के ढेर नज़र आ रहे हैं, नहीं तो जैसे हमने आपको दिखाया पीछे 5 किलोमीटर का रास्ता जो हम तय करके आए हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा ये रास्ता रहा था। और किस तरह से गाड़ी जो है सीधी जो चल रही थी, स्पीड भी उसकी अच्छी खासी होगी, 50-60 की भी अगर स्पीड होगी तो एकदम से ब्रेक नहीं लगेगी और गाड़ी सीधी नीचे खाई में गिर गई, जहाँ पर अनकम्प्लीट जो पुल था उसकी ये तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कहाँ पर किस तरह से वो गाड़ी जो है वो गिरी थी। जी क्या नाम है आपका? भभूति। हाँ जी भभूति। भभूति आप यहाँ पर क्या गार्ड्स के रूप में काम कर रहे हैं? हम अपन सरिया वहाँ देखता हूँ। अच्छा, हमारी जिम्मेवारी सिर्फ सरिया पर है। सरिये पर है। हाँ। तो रात दिन आप यहाँ रहते हैं? हाँ जी, सरिया। कितने बजे से कितने बजे तक आप यहाँ रहते हैं? 24 घंटे। 10 दिन पहले यहाँ से जो गाड़ी गुजरी थी या अभी भी जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं, तो वहाँ पर कोई साइन बोर्ड नहीं लगा है, तो लोगों को आप कैसे रोकते हैं? हाथ से रोक देते हैं, लोगों से बोल देते हैं। रात के समय जैसे लाइट नहीं है तो लोग आपको कैसे पहचानेंगे, कैसे देखेंगे कि सड़क पर कौन है? मतलब उसमें तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे ना, जब वो सड़क का वहाँ पर लाइटिंग ही नहीं है इस मार्ग पे, तो आप कैसे उनको हाथ दे पाएंगे, कैसे उनको रोक पाएंगे? अपने तरफ से मैं हाथ दे देता हूँ, उनसे बोल देता हूँ, हाँ जी रास्ता खराब है, अब रुकता नहीं है, कोई भाग जाता है तो हम क्या करें? नहीं, रात के 9 बजे क्या यहाँ पर कोई लाइटिंग होती है, आपको लोग देख पाते हैं या आप लोगों को देख पाते हैं? नहीं जी, कल हाँ ऊपर की जो रोशनी है उसी से होता। तो ये जो मिट्टी है ये कब डाली गई है? यह मिट्टी तो पहले से पड़ी। पहले से कहाँ पड़ी है? ये जो लोग हैं जब यहाँ पर आए, अभी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वहाँ से वो गाड़ियाँ जो हैं किस तरह से चली आ रही हैं, कोई भी साइन बोर्ड नहीं लगा है। ये तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, गाड़ियाँ अपनी रफ्तार से जो हैं वो चली आ रही हैं। वाइट कलर की एक गाड़ी जो है वो सीधी आ रही है, और ये ट्रॉली है उसके पीछे गाड़ी है, और वहाँ पर काफ़ी जो गाड़ियाँ हैं वो खड़ी हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ठेकेदार का क्या नाम है, ठेकेदार कौन है यहाँ पर? कौन जो ये ठेका बना, इसको मार्ग को बना रहे हैं, रोड को बना रहे हैं? यही है, बना रहे हैं प्लांट वाले। नहीं, कौन है, नाम क्या है उनका? नाम को इनका हम पता, नाम को नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक सरिये की देख रेख करने वाले व्यक्ति हैं, उनसे हमने जानकारी ली है कि वो लोगों को रात के समय जो है वो रोकते हैं, और किस तरह से रात के 9 बजे आखिरकार वो लोग कैसे रुक पाएंगे। ये निर्माणाधीन सड़क है और यहाँ पर जो है उस तरह से लोग काम कर रहे हैं। ये कौन है? कंपनी वाले होंगे। तो ये गहराई हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ से, इस फ्लाईओवर से कितनी गहराई रही है, और 60 फुट के करीब ये गहराई बताई गई है, और जब यहाँ से वो गाड़ी गिरी होगी तो किस तरह से एक मंजर रहा होगा, ये सोचने वाला विषय है। बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है,
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ से ये गाड़ी 10 दिन पहले गिरी थी, उसकी तस्वीरें भी हम आगे आपको दिखाएंगे। तो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, पहले यहाँ पर 10 दिन पहले कोई कार्य नहीं था, लेकिन अब पूरी स्पीड से जो है वो कार्य यहाँ किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं इस नेशनल हाईवे की, और जो इसको बनाने वाले लोग हैं उनसे हम बात करते हैं, वो जानकारी उनसे लेते हैं आखिर कैसे ये घटना इतनी बड़ी हुई है, जानते हैं हम उनसे। अच्छा, बंद है यहाँ से, सब बंद है, बंद कर रखा है। बंद कहाँ से किया गया? दो जगह से, एक तो यहाँ से बंद। हाँ हाँ, लेकिन हमने वहाँ पर देखा है कि किस तरह से लोग जो हैं उस डाइवर्जन को क्रॉस करके आ रहे हैं, दसों गाड़ियाँ तो हमने लौटाई हैं। तो आखिर क्या कोई गार्ड बैठे हैं वहाँ पे? कोई गार्ड नहीं है वहाँ पे यार, आप गार्ड का इंटरव्यू ले रहे थे। गार्ड तो अब नजर आया, पीछे वाली रोड की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर नहीं नहीं गार्ड दो जगह बैठे हैं, एक तो यहाँ बैठे हैं, पीछे बैठे हैं। गार्ड की कोई मानता नहीं है, रात को ड्रिंक करके आते हैं लोग। अच्छा, रात को ड्रिंक करके आते हैं, मतलब वो गार्ड बताता है ड्रिंक करके आते हैं वैसे भी आते। लेकिन जिस व्यक्ति की इस दुर्घटना में मौत हुई है उसकी ड्रिंक की कोई पुष्टि नहीं हुई है पोस्टमार्टम में? मैं ये थोड़ी आया था, लेकिन लेकिन एक चीज जो पॉइंट है ये कह रहा हूँ कि भाई लोग गार्ड को भी दरकिनार करके आगे आ जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा वो दारू पी के आया था, ये नहीं कह रहा। नहीं तो वहाँ पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग नहीं लगी, कोई साइन बोर्ड नहीं लगा? आप भी बैरिकेडिंग क्रॉस करके आए हो यार? कहाँ पर? ये सामने वाली बैरिकेड, ये मिट्टी डाल रखी है, बैरिकेडिंग कर रखी है, इस तरफ काम चल रहा है इसलिए वो सामने बैरिकेड है, वो हटा के वो साइड में रखा है। क्या मिट्टी से बैरिकेडिंग की जाती मिट्टी है? से नहीं, सामने देखो बोर्ड है, बोर्ड लगे हुए हैं। आप मुझे दिखाएंगे? मैं अभी उसी रोड से आया हूँ, पूरे रोड पे कैमरा घुमाइए, देखिए सामने। मैंने देख लिया, मैं पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आपको पूरी वीडियो में दिखा दूंगा। तो यहाँ पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किसी भी तरह से जो है यहाँ ठेकेदार का नाम लेबर नहीं बताना चाह रही है, कौन ठेकेदार है, किसके द्वारा ये काम चल रहा है, किसकी जिम्मेदारी बनती है। एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई है और यहाँ पर काम जो है वो अब सुचारू रूप से चल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं किस तरह से जो ठेकेदार है उसके द्वारा लापरवाही की गई है। सहारनपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो पुल है, किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर अपने काम को कर रहे हैं। सहारनपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सहारनपुर से मोनू कुमार संजय सिंह की खास रिपोर्ट। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस हाईवे के नीचे जो हैं हम खड़े हैं, जहाँ पर ये पुल अधूरा था वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ से अभिषेक की गाड़ी रात को 9 बजे के अंधेरे में जो है यहाँ इस फ्लाईओवर से नीचे गिरी थी, क्योंकि किसी भी तरह का साइन बोर्ड, किसी भी तरह की बैरिकेडिंग रास्ते में नहीं लगी थी। तो आदमी किस तरह से इस चीज़ का आभास करेगा कि आगे रास्ता है या नहीं है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस पुल की, जहाँ से ये तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस गाड़ी की, जहाँ पर ये गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई थी, जिस जगह ये गाड़ी गिरी थी वो ये जगह है, और यहाँ से उठाकर उस गाड़ी को साइड में कर दिया गया ठेकेदार के द्वारा, ताकि जो है वो अपना काम सुचारू रूप से कर सके। 10 दिन पहले यहाँ कोई काम नहीं था, केवल सड़क खाली थी, और लापरवाही के कारण जो है अभिषेक की जान गई। पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो पुल का एक पार्ट है इसको जो है 2 दिन पहले ही यहाँ पर वेल्ड किया गया, और इसका ये जो है ढांचा बनाया गया है। आगे का भी मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ये कार्य जो है अब कुछ 2-3 दिन पहले ही शुरू किया गया, ताकि जो है ये बात आगे ना बढ़े और जो ये घटना घटी है इसकी पोल ना खुल जाए, ठेकेदार की पोल ना खुल जाए। इसलिए इन लोगों ने जो यहाँ पर काम करने वाले ठेकेदार हैं उन्होंने यहाँ पर इस सबूत को मिटाने के लिए भी जो सड़क है उसके ऊपर कंक्रीट डालकर रोलर चला दिया, ताकि जो गाड़ी के ब्रेक के निशान थे उनको भी छिपा दिया गया है। ये तस्वीरें
पूरी हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। ये पुल का वो नीचे का हिस्सा है जहाँ पर अभिषेक के रात्रि 9 बजे ये गाड़ी जो है यहाँ पर गिरकर क्षतिग्रस्त हुई और अभिषेक की मौके पर ही मौत हो गई। तस्वीरें हम आपको यहाँ से इस पुल के नीचे की दिखा रहे हैं, सहारनपुर की तस्वीरें हैं। अगर लापरवाही ना होती तो अभिषेक की जान ना जाती। और उससे पहले जो है हमने तस्वीरें दिखाई हैं किस तरह के से लोग अपनी पूरी स्पीड के साथ गाड़ी में बैठकर इस रोड से चले आ रहे हैं, लेकिन जब उनको हमने ये बात बताई तो वो लोग अपना रास्ता बदल के पीछे की ओर से जो है अपने गंतव्य की ओर लौट गए, क्योंकि अगर वहाँ पर कोई साइन बोर्ड अभी भी नहीं लगाया गया तो दुर्घटनाएं बहुत सारी हो सकती हैं। रात में कौन सी लेबर काम करती है, कौन से यहाँ पर जो है लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, किसी भी तरह की कोई लाइट नहीं है। रात के 9 बजे गुप्त अंधेरा होता है, देहात का ये क्षेत्र का इलाका है और किस तरह से ये घटनाएं निरंतर बढ़ सकती हैं। जिला प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना होगा और जो ठेकेदार लापरवाह है ठेकेदार उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये ताकि आगे से कोई इस तरह की घटना ना घट पाए। सहारनपुर से मोनू कुमार की खास रिपोर्ट। जगह है जहां से अभिषेक की गाड़ी 10 दिन पहले गिर गई थी, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो लेबर है वो यहां काम कर रही है और इसका जल्द से जल्द यहाँ निर्माण पूरा करने की कोशिश की जा रही है ताकि सारे सबूत जो है वो मिटाए जा सकें। तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, ये वो गाड़ी है जिसमें अभिषेक ड्राइव करके यहाँ से अपने घर जो है पिथौरागढ़ जा रहा था। UK05TA2806 ये गाड़ी है मारुति सुजुकी की और किस तरह से ये क्षतिग्रस्त हुई है देखने से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितना भयानक वो दृश्य होगा। और गाड़ी के जो हैं परचक्के उड़ गए हैं और किस तरह से जो है इसमें अभी भी जो है अभिषेक का सामान पड़ा हुआ है, बैग पड़ा हुआ है, कंबल पड़ा हुआ है और जो है इस गाड़ी को पूरी तरह से पीछे की ओर से ये डैमेज हुई है। पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कितनी बड़ी लापरवाही है और एक व्यक्ति को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी है इस लापरवाही की वजह से। पूरी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस गाड़ी की ये दशा देखिए किस तरह का ये मंजर रहा होगा और गाड़ी किस तरह से गिरकर उसके पूरे चकनाचूर ये गाड़ी हो गई है। ऑल्टो 800 है और UK05TA2806 ये नंबर की गाड़ी है। अकेला अभिषेक इसमें सवार था, अगर इसमें और लोग होते, परिवार के और सदस्य होते या कोई भी होता तो वो भी शायद अपनी जान ना बचा पाता। ऐसी ही तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं पीछे रोड की, जहां पर एक एक गाड़ी में 5 से 7 लोग बैठे हुए हैं, उनके साथ भी ये हादसा घट सकता था अगर उनको रूट के बारे में ना बताया जाए। रात के समय वो लोग अगर इस रोड से आए तो उनके साथ भी ये घटना हो सकती है। अब भी कितनी बड़ी लापरवाही है, जो लेबर यहाँ काम कर रही है उनको या उनके ठेकेदार को इतनी भी शर्म नहीं आई कि वहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी जाए। और ये तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं किस तरह से ये गाड़ी का हाल हुआ है, ये तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। नागल थाना क्षेत्र की ये जगह है, ये इलाका है, सहारनपुर का ये एरिया है और तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। तो हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है जिस जगह ये 10 दिन पहले हादसा हुआ था जिसमें अभिषेक की जान गई। ठेकेदार की लापरवाही से पुल पर कोई भी बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई, रोड पर कोई भी साइन बोर्ड नहीं लगा था। वो गाड़ी की तस्वीरें भी हमने आपको यहाँ दिखाई है किस तरह का मंजर रहा होगा। अकेला सवार था अभिषेक, पिथौरागढ़ का निवासी और सहारनपुर के इस थाना क्षेत्र नागल में जो ये घटना घटी है उसके बाद भी लापरवाही का इतना बड़ा सबब है कि कोई भी साइन बोर्ड अभी भी नहीं लगाया गया, किसी तरह की बैरिकेडिंग नहीं की गई है, केवल मिट्टी को डालकर उस घटना पर पर्दा डालने का काम किया गया है। सहारनपुर से अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ मोनू कुमार, विजय न्यूज़ सहारनपुर।